खरगोन नगर पालिका परिषद के साधारण व्यापक सम्मेलन में शहर के जनहित मुद्दों पर पार्षद रियाजुद्दीन शेख, वारिस चौबे और एजाज मामा ने शहर के विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस की। संपत्ति कर और स्वच्छता कर बढ़ाए जाने का विरोध किया। परिषद के अनुसार 1400 रुपये की वृद्धि होना थी, जिसका विरोध विपक्षी पार्षद रियाजुद्दीन शेख, वारिस चौबे, एजाज मामा ने किया है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में आम जनता पर अधिभार समझ से परे, जिसका हम विरोध करते हैं, और पूर्व अनुसार 300 रुपये वार्षिक जो कर वसूल रहे हैं उसे ही लिया जाए। परिषद के विषय सीवरेज लाइन के चैम्बरों की सफाई के लिए मशीन क्रय करने के विरोध में उन्होंने कहा कि 33 लाख रुपये की राशि सीवरेज कंपनी से वसूल किए जाएं, क्योंकि कंपनी को 5 वर्ष तक चैम्बरों का साफ सफाई का मेंटेनेंस करना है, कंपनी का अनुबंध है, और शहर में सीवरेज कंपनी द्वारा काम अनुबंध अनुसार ही नहीं किया गया है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आज परिषद की बैठक हुई थी, किन मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया और कहां पर आप लोगों से तकरार हुई? आज परिषद की बैठक जो पूरा नियम के विरुद्ध आयोजित हुई थी, जिसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब को किया था, जिसमें परिषद में एजेंडे में पूर्व में जो है पार्षदों के जो क्वेश्चन विषय लिए जाना थे वो नहीं लिए, और पूर्व बैठक के जो प्रस्ताव और जो विषय थे उन्हें शामिल करना था, प्रदर्शित करना था, वो नहीं किया, जिसको लेकर हमने क ख ग और घ ये 4 नियम के विरुद्ध जो मीटिंग की गई उसकी शिकायत कल कलेक्टर साहब को की थी। उसके बावजूद आज मीटिंग आयोजित हुई, लेकिन मीटिंग में एक पक्षा पूरी कार्रवाई की गई और विपक्ष को नज़रअंदाज किया गया और पक्षपात पूर्व रवैया पूरी मीटिंग में खुले तौर पर दिखा गया। जिस तरह से सीवरेज लाइन की अनियमितता पूरे शहर में दिख रही है, पूरे शहर को जहाँ नई नई सड़कें बनी थी पूरे शहर को खोद दिया गया, ऐसे अनियमितता वाले ठेकेदार को मदद के तौर पर मशीन ली जा रही है, जबकि 5 साल का मेंटेनेंस करना उस ठेकेदार की जिम्मेदारी था जो नियम में है, कायदे में है और एग्रीमेंट में है। उसके बावजूद नगर पालिका 33 लाख रुपये की मशीन खरीद रही है साफ सफाई के लिए, उसका हमने विरोध किया कि भाई मापदंड के आधार पर, नियम के आधार पर जो कंपनी सीवरेज कंपनी है जो काम करने वाली है उसका काम है, नगर पालिका नहीं करी जाएगी, लेकिन उसके विपरीत उन्होंने प्रस्ताव पास किया और 33 लाख रुपये मशीन लेने का फैसला किया। दूसरी चीज़ कर्मचारियों का हमने विषय रखा था, आपने विषय लिया तो जब शासन के अनुकूल था और विपरीत था तो आपने विषय शामिल क्यों किया? विषय शामिल किया तो उस पर चर्चा होनी थी कि भाई जिस हिसाब से कलेक्टर रेट पे 12,000 या 13,000 जो भी कलेक्टर रेट है वो आधार पे हमको उनको वेतन देना है, लेकिन उनका भी विषय वो बिल्कुल नकारात्मक कर दिया गया, उस पर भी चर्चा नहीं की गई और कह दिया कि शासन द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी, जबकि उनको 6,000 रुपये दिया जा रहा है। आज के दौर महंगाई के दौर में 6,000 में कैसा घर बार चलेगा? ऐसे 300 कर्मचारियों को जो है उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ लूट खसोट हो रही है, उसको लेकर हमने आज तीखी बहस की है, जिसके खिलाफ हमने आगे भी कार्रवाई करेंगे, आयुक्त को लिखेंगे कि आज 300 परिवार को लोगों को जो है पर्याप्त तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर हम आयुक्त और कलेक्टर साहब से कल मिलेंगे प्रतिनिधि मंडल के साथ में। क्या नाम लिखते हैं? रियाजुद्दीन शेख, पार्षद वार्ड क्रमांक 12। शकील भाई जी भी बोल रहे हैं। आज परिषद की बैठक थी जिसमें वार्ड क्रमांक 14 अंजुमन नगर से बात हुई, तो जो वार्ड 14 है या और भी वार्ड है शहर के, जो गली कुचे के वार्ड है जिसमें शहर की जनता, बीमार जनता, मजदूर, गरीब लोग जाते हैं, इन्होंने मना कर दिया है कि ऐसे वार्डों के काम नहीं करेंगे हम, पहले शहर के वार्ड के काम करेंगे, मेन सड़कें करेंगे। तो उस वार्ड की जनता जो कच्ची सड़कें से या कच्चे रास्ते से बीमार लोग निकल जा रहे, तो उनका क्या है जनहित में? उनका उनके लिए कुछ होगा कि नहीं? अगर आप शहर की बात करते हैं कि शहर की सड़कें सुधारेंगे, तो थाने परिसर के सामने इतना बड़ा गड्ढा जो कई समय से है, आप उसको क्यों नहीं पूरा करवा रहे? फिर उसमें क्या दिक्कत है आपको? शहर की अगर सड़कें हैं तो वो पूरा गड्ढा बना हुआ है वहाँ पर। तो हमारा इस बात का भी विरोध था कि वार्डों में काम बराबर सभी वार्डों में दिया जाए, पर इन्होंने कहा कि वार्डों के काम अभी नहीं देंगे हम, अभी सिर्फ मेन सड़कों पे ध्यान देंगे। वारिस चौबे, पार्षद वार्ड नंबर 24। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।